वेलकम जी लेट्स स्टार्ट चलिए बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रांग से और उसका बेहतरीन भी बिजनेस है और पिछले दो साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिया जो कंपनी का नाम है वो अम्बर इंटरप्राइज अंबर so, एंटरप्राइज की अगर हम एक दिन के रिटर्न को चेक करते हैं तो एक दिन में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए सात परसेंट का प्रीवियस क्लोजिंग इस, इसका होता है तीन हजार छत्तीस पे और आज मार्केट क्लोज होता है तीन हजार दो सौ पचास पे और इस तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है सात परसेंट का एक दिन में अगर इसका मैक्सिमम चार्ट की बात करें ये कंपनी दो फरवरी 2008 को लिस्ट होती है एक हजार दो सौ छब्बीस रुपया पंद्रह पैसे के प्राइस से और आज ये कंपनी फरवरी 2008 से और आज हो गई है कितने का तीन हजार दो सौ पचास रुपये का मीन कि एक हजार दो सौ छब्बीस रुपये से तीन हजार दो सौ पचास रुपये का मात्र चार पाँच साल भी नहीं हुए इसकी इसको फाइव ईयर भी, भी कंप्लीट नहीं हुए और इस कंपनी में देखिए जब कंपनी लिस्ट होती है तो गिरावट होता है फिर उसके बाद गिरावट के बाद फिर इसमें उछाल आया फिर कंटिन्यूस चलता रहा फिर ऊपर हुआ फिर गिरावट हुआ फिर उसके बाद कंटीन्यूस अप डायरेक्शन में चलता रहा चलता रहा चलता रहा फिर गिरावट हो गया फिर अप डायरेक्शन में चला गया फिर उसके बाद फिर गिरावट हुई फिर एक गिरावट होती है फिर अप डायरेक्शन में जाता है फिर गिरावट है और फिर अप डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी है तो मीन्स की एज ए स्टॉक मार्केट का जो नेचर है स्टॉक मार्केट में कभी उतार कभी चढ़ाव कभी उतार कभी चढ़ाव सेम पैटर्न इसके साथ है और ये इस कंपनी का अब यहां से एक अच्छा मौका मिला है कि इस कंपनी में अगेन आप ऊपर की तरफ उछाल आया तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक काफी अच्छा टाइम से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इस कंपनी के रिटर्न को अगर हम कंपेयर करते हैं सेंसेक्स से, से के साथ तो आप पाओगे इस कंपनी ने आज के दिन में आपको सात परसेंट का रिटर्न दिया एक वीक में और एक मंथ में इसका रिटर्न नेगेटिव रहा लेकिन अगर तीन महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट थ्री परसेंट अगर छह महीने की बात करें तो सोलह परसेंट का रिटर्न अगर एक साल की बात करते हैं तो चालीस परसेंट का रिटर्न दो साल की बात करते हैं तो दो सौ तेरह परसेंट का रिटर्न और अगर तीन साल की बात करते हैं तो दो सौ पचास परसेंट का रिटर्न अभी चार साल पूरे नहीं हुए पांच साल भी नहीं हुए सो अब लंबे पीरियड में देख रहे हैं तो इस कंपनी का मुनाफा प्रॉफिट काफी ज्यादा है दो साल में दो परसेंट तीन साल में ढाई सौ परसेंट का रिटर्न अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं अंबर इंटरप्राइज के तो आप चेक करोगे इस कंपनी का सेल्स साल दर साल 2014 में नौ करोड़ 2015 1200 करोड़ देन 1000 करोड़ 2017 1600 करोड़ देन अगेन 2100 करोड़ देन उन्नीस दो हजार करोड़ 2020 बीस ऑलमोस्ट चार हजार करोड़ देन तीन हजार करोड़ इस साल तीन हजार सौ करोड़ तो हर साल कंपनी का सेल्स एक मैनेजेबल है और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप चेक करोगे 22 करोड़ की प्रॉफिट से उनतीस करोड़ दैन 24 करोड़ दैन 22 करोड़ देन बासठ करोड़ देन चौरानवे करोड़ देन एक करोड़ और उसके बाद लॉकडाउन 2020 में फिर इसका प्रॉफिट डाउन बयासी करोड़ और इस साल जंप होकर के 122 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है अगर इस कंपनी के बैलेंस को आप चेक करोगे, तो इस कंपनी आज की पे में एक हजार छह सौ करोड़ का रिजर्व है और इस कंपनी के पास आठ सौ सोलह के पास आपको पता होना चाहिए कितना उस कंपनी के पास कर्ज है कितना उस पर रिजर्व है अगर हम इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को चेक करते हैं तो आप पाओगे ये कंपनी आपकी कंज्यूमर रिलेटेड uh, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं होम इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस वो कंपनी बनाती है एक स्मॉल कैप की कंपनी है इसमें रिस्क मॉडरेट है कंपनी में टाइम टू टाइम गिरावट होता रहता है टाइम टू टाइम इस कंपनी में गिरावट होता है लेकिन फिर उस गिरावट को ऊपर करके कंपनी फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाती है अगर इस कंपनी के अगर मैनेजमेंट में देखें तो नो रेड फ्लैग इस स्टॉक्स के इस कंपनी के लिए कोई ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से कोई फ्लैग नहीं है और गुड पार्ट है कि टाइम टू कंसीडर गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवर जोन तो आज के डेट में स्टॉक्स ओवर जोन में नहीं है आप इंट्री ले सकते हो इस कंपनी का रिटर्न भी एक तरह से काफी बेटर है और ये आज की डेट में अपने इंटरसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है अगर इसके सेक्टर की पी बात करो तो एक का पी है और ये मिल रहा है आपको एक के पी पे मीन तो की अब से अपने सेक्टर के पी से कम प्राइस में आपको मिल रहा है अगर इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो आप ये कंपनी एक्चुअली एम्बर इंटरप्राइज करती क्या है सो so, अब एम्बर इंटरप्राइज बेसिकली एम्बर इंटरप्राइज लिमिटेड इज प्रोवाइड प्रोमोनेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर एयर कंडीशनर ओ एम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री डू मीन बाई ओ एम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब यह होगा कि ये कंपनी के लेट्स की बात करते हैं ब्लू स्टार एसी की या एल जी के तो उनके जो ए सी के अंदर के जो सारे कंपोनेंट है ओरिजिनल बनाते हैं तो ये स्पेसिफिक कंपनी के लिए उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट डिजाइन करती है एंड उसको इक्विपमेंट मैन्युफेक्चर भी करती है सो इनका जो मेजर uh, प्रेजेंस है वो आर ए सी की रूम एयर कंडीशनर कंप्लीट यूनिट एंड डील विद मेजर रूम रूम एयर कंडीशनर एसी कंपोनेंट और इनके पास टेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस समय अक्रॉस द कंट्री हमारे पास है ठीक है और ये इसके अलावा जो एसी से रिलेटेड तो वन स्टॉप शॉप फॉर एयर कंडीशनर एंड इट्स कंपोनेंट फॉर द कंज्यूमर ओके सो आप कंज्यूमर के लिए जो एयर कंडीशन के सारे कंपोनेंट से बनाते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट देखोगे तो इसके अलावा इनका जो एक्सपर्टीज है एक्सपर्टीज इन हीट एक्सचेंजर सीट मेटल कंपोनेंट मॉडलिंग कंपोनेंट सिस्टम ट्यूबिंग कंपोनेंट एंड मोटर्स So, ये इनका कुछ प्रायोरिटी और बात करो तो एम्बर इंटरप्राइज स्ट्रांगली पोजिशन विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू ड्राइव द कोर डिलीवरेबल्स इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी तो ये अपने क्वालिटी को लेकर के कॉस्ट को लेकर के डिलीवरी एंड टाइम पे काफी फोकस कर रहे हैं अगर हम बात करें तो ये कंपनी ऑफर वी आर ऑफरिंग हाइयर एनर्जी इफिशियंसी एंड एक्सपर्टिज देखो आजकल एनर्जी इफिशियंसी की बात होती है तो इनर्जी इफिशियंसी इनके जो कंपोनेंट होते हैं चाहे इनडोर की बात करो चाहे आउटडोर की बात करो चाहे स्प्रिट की बात करो चाहे विंडो एसी की बात करो सारे उनके यूनिट्स बनाते हैं और ये डील विद एसी कंपोनेंट एज वेल एज नॉन एसी कंपोनेंट तो इससे रिलेटेड जो एसी के कंपोनेंट है या चाहे नॉन एसी कंपोनेंट है दोनों कंपोनेंट डिलीवर करते हैं और आज के डेट में इनके पास वारि, वर्सीफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आज के डेट में अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट बनाते हैं अगर हम इसके प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें इनको तो आप चेक करोगे इनके प्रोडक्ट की हाईएस्ट कैटेगरी सबसे पहले है रूम एयर कंडीशनर आर ए सी अब रूम एयर कंडीशनर विंडो रूम एयर कंडीशनर की बात करते हैं स्प्लिट ए सी की बात या इन्वर्टर स्प्लिट ए सी तो इन सारे के कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट डिजाइन करते हैं उसके डिजाइनिंग करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगर हम एसी के कंपोनेंट की बात करते हैं तो उस कंपोनेंट में हीट एक्सचेंजर की बात या स्टील मेटल कंपोनेंट एंड नॉन एसी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर एन कॉपर ट्यूबिंग की भी बात करते हैं जो कॉपर की ट्यूब्स एसी के अंदर रहती है जिससे कि गैसेस फ्लो होती है मोटर जि जिससे एसी की टर्बाइन रन होता है सो so, ये सारे एसी से रिलेटेड कंपोनेंट और नॉन ए सी रिलेटेड कॉम्पोनेट मिलाते हैं जिससे कि उनके प्लास्टिक एक्सट्रॉशन वैक्यूम फॉर्मिंग एंड स्टील मेटल कंपोनेंट फॉर नॉन एसी कंपोनेंट एंड पी सी बी ए भी इनके पास है और बेहतरीन सी बात है कि दे नाउ वर्किंग ऑन मोबाइल एयर कंडीशन अब पे तो रूम एयर कंडीशन तो समझ में आ गया कि हमारे रूम के लिए बात हो गई उनके कंपोनेंट अब बात हो गई मोबाइल एयर कंडीशन मीन की मूविंग चीजें जैसे कि आप ट्रेन की बात करो रेलवे एयर कंडीशन चाहे मेट्रो एयर कंडीशन चाहे बस एयर कंडीशन चाहे डिफेंस एंड टेक, टेली कम्युनिकेशन तो जहां पे एयर कंडीशन की बात हो रही है एसी की बात हो रही है चाहे रेलवे की तो चाहे मेट्रो की चाहे बसेस की चाहे डिफेंस की बात हो रही है चाहे हमारे रूम की बात होगी रही है तो इनमें जो हम लोग एसी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जो कंपोनेंट हैं जो पार्ट्स हैं ये अंबर एंटरप्राइज कंपनी ओरिजिनल कंपोनेंट डिजाइन करती है ओरिजिनल कंपोनेंट ये उसको मैन्युफेक्चर भी करती है और ये ओरिजिनल जो इक्विपमेंट बनाती है वो एफ तो आप बात करो कौन कौन सी कंपनी के लिए तो इनके पास ह्यूज लिस्ट ऑफ क्लाइंट है जिसके लिए ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं चाहे हम ब्लू स्टार की बात करें चाहे एल जी की बात करें चाहे डेकिन की बात करें चाहे हिटाची की बात करें चाहे हम महिंद्रा की बात करते हैं चाहे गोदरेज की बात करते हैं चाहे लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ कंपनी जिनके लिए ये एसी रिलेटेड कंपोनेंट नॉन एसी रिलेटेड कंपोनेंट का जो पार्ट्स है जो कंपोनेंट है ओरिजिनल उनका डिजाइन भी करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और इन कंपनी को प्रोड्यूस करते हैं जिससे आप जब एल में एल का आप ए खरीदते हैं चाहे ब्लू स्टार का तो उसके अंदर जो कंपोनेंट बना है हो सकता है कि मल्टीपल कंपोनेंट एक एसी को बनाने के लिए चाहिए तो वो सारा कंपोनेंट हमारा अंबर एंटरप्राइज बना रही है सो so, इस कंपनी का बिजनेस बैकग्राउंड में है आप अम्बर इंटरप्राइज को डायरेक्टली नहीं दिख रहे जब ये जो ब्रांडेड ए या नॉन ए के जो कंपोनेंट हैं जो हम जानते हैं उनके पीछे जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो अंबर इंटरप्राइज कंपनी बना रही है सो so, इस कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है और हमारे कंट्री में आप समझिए कितना एयर कंडीशन का यूज होता है हर जगह चाहे हम रेलवे की बात करें मेट्रो की बात करें ऑफिस की बात करें या हम अपने रूम की बात करें तो साल दर साल जैसे वेदर चेंज होता है एसी की हमारे यहाँ पे जरूरत हो जाती है और एसी में जो मटेरियल्स जो कंपोनेंट जो पार्ट्स वो ये कंपनी बना रही है तो एक बार अंबर एंटरप्राइज की कंपनी के बिजनेस को आप समझिए और इसके बिजनेस को समझ में आ जाता है तो आप धीरे धीरे इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके पैसे का साल दर साल फोल्ड गुना हो रहा है दो साल में एक साल में दो साल में दो सौ परसेंट का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स है क्योंकि इस और इसका बिजनेस भी अच्छा है सिर्फ एक एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है एक कंपनी के लिए काम नहीं करी ये लॉट सब बिगर कंपनी एल हो गया ब्लू स्टार हो गया महिंद्रा हो गया इन सारे के लिए जो ए के पार्ट्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं ओरिजिनल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रही है और साल दर साल करती जा रही है तो एक बार जरूर आप अंबर इंटरप्राइज के बिजनेस को समझिए और इसके बिजनेस को समझ में आता है तो जरूर आप इसको एक लॉन्ग टर्म्स दो से तीन साल या पांच साल का करके आप इन्वेस्टमेंट करिए पिछला इसका हिस्ट्री शो करता है कि दो सौ तीन परसेंट का रिटर्न इसने अभी तक दे दिया है तो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न एक अच्छा प्रॉफिट आपके पैसे को मिल सकता है तो आप एक अंबर एंटरप्राइज को जरूर एक बार स्टडी करिए रिसर्च करिए और अपना जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है अगर निवेश के लिए आपको इस कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो निवेश करिए नए बिजनेस में समझ में आता है बिल्कुल इसमें निवेश मत करिए स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनी लिस्टेड है जिस कंपनी का आपको बिजनेस समझ में आ जाए उसी कंपनी में आप निवेश करिए लेकिन आप जरूर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट एक अच्छी कंपनी में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस में जरूर लगाइए जिसका बिजनेस आने वाले पाँच साल दस साल में चलता रहे ऐसा लगता है कि एयर कंडीशन का बिजनेस आने वाले पाँच दस साल हमेशा चलता ही रहेगा हमारी कन, जैसे कंट्री के लिए तो इसका बिजनेस फुल बढ़ने वाला ही है घटने वाला नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर अंबर एंटरप्राइज कंपनी के बिजनेस को आप समझिए और बिजनेस समझने के बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो